guys, so I am going to explore some of the breakfast points in some of the oldest breakfast point in Ranchi. This is my hometown, and I'm on my way to try some breakfast joints and also some street food like Duska, Litti Chokha. Yeah, that's it, and I'm on my way, so let's explore it. हाय गाइस, सो ये है चूरू वाला, बहुत ही पुराना ब्रेकफास्ट पॉइंट है और स्वीट शॉप है। तो यहाँ पे बचपन में बहुत सारे पार्सल्स, मेरे चाचा, मेरे अंकल्स, मेरे मामा एंड ऑल एवरीवन, ये है छेना पायस जो कि रखा हुआ है, शायद अंदर जाएगा अभी। इधर और इधर गुलाब जामुन दिख रहा है, रसगुल्ला दिख रहा है, छेने की मिठाई दिख रही है, बहुत कुछ। तो आप देख सकते हैं, आपको लग समझ में आ गया हो कितना पुराना है ये चेयर्स के हिसाब से। तो अभी ऊपर चलते हैं हम लोग। सो ऊपर हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नीचे में डोसा पूड़ी सब्जी कुछ समय तक मिलता है, 11 समथिंग, 11 या 12 तक, मुझे अच्छे से याद नहीं, इसलिए ऊपर बाकी सब कुछ होता है। नीचे में स्वीट्स आपको मिल जाएगा, समोसा अर्ली मॉर्निंग। सो यहाँ पर सब्जी, थैंक गॉड ये खाली है आज। तो चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। सो आई एम हैविंग हियर छोले भटूरे एंड कचौड़ी के सब्जी के साथ। देखते हैं, जो बचपन में खाता था यहाँ पे मैं, टेस्ट वैसे ही है या थोड़ा डिफरेंट है। सो गाइज, ये है पूड़ी एंड सब्जी आलू की, बहुत टेस्टी होता है। अगर आप रांची आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना ही है। और क्या, और इसके अंदर क्या है, सत्तू इन दिस पूड़ी विद आलू एंड आलू की सब्जी। पूड़ी खाया, पूड़ी के बाद छोले भटूरे, वॉज टू हैवी, सो आई थॉट ऑफ चेंजिंग इट एंड मेकिंग इट टू द डोसा। दिस इज मसाला डोसा ओवर हियर। दिस इज द चटनी सांबर, दिस इज मसाला डोसा। I'm done with the breakfast. I'm going to have some dessert now, for which I have to go downstairs. Let's see, and I'm too full. I have to eat Litti Chokha as well and Duska. Two more things to explore. I'm already full. I don't know how will I eat, but every time I have a space for a dessert, let's go and try some sweets downstairs. जैसा कि मैंने बोला कि नीचे स्वीट्स मिलता है, सो अब नीचे जाते हैं। जगह बस मिल जाए कोई सही सा जगह, पहले स्वीट ले लेते हैं। सो मैंने ऑर्डर किया राजभोग, और आज का यार फोकस हो गया, क्या फोकस ही नहीं होता है। और जलेबी भी ऑर्डर किया, तो जलेबी जरूर ट्राई करना, बहुत क्रिस्पी होता है। एंड राजभोग, हैविंग द राजभोग व्हिच इज सो स्पॉन्जी, आई लव द राजभोग ओवर हियर। मैं बोल रहा था जलेबी जरूर ट्राई करना, बहुत क्रिस्पी भी होता है। और पीछे वाले भैया मेरे से, मेरे ऑस्मो के बारे में पूछ रहे थे कैसे क्या काम करता है, और मैं बिजी था अपने जलेबी को टेस्ट और खाने में, क्योंकि मेरे को बहुत मस्त लगता है। और ये गया और एक। तो गाइज ये लेन ही पूरा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ये जगह मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो यहाँ आ गया। ये डिस्का समोसा, उधर पीछे कचौड़ी। ये लोग बहुत साल से यहाँ पे हैं, तो इनसे पूछेंगे, तब तक देखते हैं और क्या है। सो यहाँ पे डुस्का बन रही है, एंड ये रोड का नाम है अपर विजय रोड। ये दुर्गा मंदिर के अपोजिट में शॉप है इनका। सो ये बहुत ही ओल्ड शॉप है,
और ये डुस्का ऐसे बनता है। डुस्का इज़ झारखंड डिश, सो आप लोग वीडियो देख रहे हो तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिश इन झारखंड। सो ये ऐसे सर्व होता है दोना में विद सब्जी, थोड़ी हरी चटनी एंड हो गया। तो मैंने इनसे पूछा कितने साल से दुकान है 50-60 साल से। वो 50-60 साल से ये दुकान है और यही है, मैं बचपन से ही आकर आ रहा हूँ। और ये रहा डुस्का, आप लोग अगर कभी भी रांची झारखंड आते हो तो ट्राई करो डुस्का एक बार, यू लव इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग आ गए हैं लिट्टी चोखा ट्राई करने। तो बहुत खा लिया हूँ आज ऑलरेडी। सो ये बन रहा है लिट्टी, वो चोखा है, ये टमाटर की चटनी है, मिर्च एंड अनियन। बहुत दिन बाद यहाँ पे भैया बना रहे हैं लिट्टी चोखा, जो कि बहुत ही सालों से यहाँ बन रहा है, क्योंकि मैं बहुत पहले यहाँ आता था तो आई विल यूज़ टू हैव हियर। सो लेट्स ट्राई इट अगेन। ये घी वाला एंड सूखा लिट्टी चोखा। कितने साल से लगा रहे हैं? बहुत दिन से लगा रहे हैं फिर भी मेरा आया हुआ तो हो गया 10 साल से ज्यादा। दुकान है, ये दुकान को हो गया करीब 50 50। तो ये यहाँ लिट्टी बना रहे और ये चोखा और चटनी ना, एक सूखा दे दीजिए मेरे को और एक घी वाला। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, ये पीछे ऑटो चल रहे हैं और ये घी गर्म हो रहा है ताकि मुझे घी वाले मिले। घी वाला कितना भैया? घी वाला 25 रुपये जोड़ा, सादा 15 रुपये। कितना हुआ? 3 गुना। सो घी लिट्टी चोखा इज 2 रुपी 25 रुपये, 225 रुपीज इन 2 पीसेज इन 25 रुपीज। एंड सूखा कितना बोले? 15 रुपये एंड विदाउट घी वन इज 15 रुपीज। सो लिट्टी जा चुका है घी के अंदर एंड इट्स गेटिंग डिप्ड। सो ये हो गया एंड मैंने ऑर्डर किया एक घी एंड एक सूखा, क्योंकि मैं बहुत सुबह से खा चुका हूँ और नहीं हो पाएगा। Hey guys, so I had this ghee wala and plain litti chokha. I would recommend the ghee wala litti because it was more obviously अब घी ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा वो चीज़। तो डू आई विल रिकमेंड यू टू हैव द घी वन एंड इट्स लोकेटेड इन अपर बाजार रोड। एंड टुडे वी ट्राइड कचौड़ी, सब्जी, डोसे, डुस्का एंड लिट्टी चोखा। सो डू लेट मी नो डू यू लाइक द वीडियो और नॉट, एंड दिस वॉज लेट मी नो योर व्यूज, लेट मी नो योर फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। Do subscribe to my YouTube channel Explore with Ketan and also on my Instagram hit to follow. I will put the link in the description box below. Do let me know how you like the video and till then bye bye.